नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानेंगे कि अपन प्रॉपर चैम्बर कैसे बनाते हैं, चैम्बर, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, मात्र 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो इसमें कौन से तरीके से अपन चैम्बर बनाएंगे, तो अपने को बाद में भविष्य में कभी भी घर के अंदर और घर के छत के ऊपर स्मेल बदबू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन चैम्बर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बात आपको नोटिस करना है, ये दो सामान लगाएं, ठीक है, जो कि अभी आप देख सकते हैं आगे एक संडास का जो ओवरफ्लो पानी आता है ना, जो संडास का टाकी का जो ओवरफ्लो आता है ना, उसमें एक पीवीसी का पी ट्रैप लगाएं, ठीक है। और जो इधर अपना मेन है ना, जो अपना ड्रेनेज से आ रहा है, उसमें भी पी ट्रैप लगाया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी चैम्बर का सीवर लाइन का अगर बदबू रिटर्न आएगा ना, तो इसकी पी ट्रैप के आगे नहीं आएगा। और जो आगे वाला अगर पी ट्रैप आप देख सकते हैं, वो पी ट्रैप ये काम करेगा कि जो संडास का टंकी है ना, उसका रिटर्न बदबू इधर नहीं आएगा, ठीक है। यानी बदबू भी सॉल्व हो गया, और जो अपना सीवर लाइन से मेन में जो पी ट्रैप लगा है, उससे क्या होगा, इसका रिटर्न बदबू और इसमें जो भी चूहा कॉकरोच इसके आगे नहीं जाएगा, घर के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा चैम्बर आप अपने घर में बनाते हैं, तो लाइफ टाइम कभी भी आपका बदबू और कॉकरोच चूहे से आपका सॉल्व हो जाएगा घर, ठीक है, कभी भी आपके घर में नहीं आएगा। तो कभी भी अगर काम कराते हैं आप, तो ऐसा बात छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए कि कौन सा काम कैसे अपने को कराना चाहिए, ठीक है। तो भी आप देख सकते हैं इधर पी ट्रैप लगाएं, आगे भी पी ट्रैप लगाएं। और जो बाथरूम का है ना, उधर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किचन का और बाथरूम का जो दोनों लाइन इधर आया है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने को ज़रूरत है तो एक संडास का ओवरफ्लो में और अपना मेन जो सीवर लाइन आया उसमें। तो आगे अपन अभी चैम्बर भी बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं तो इसमें फिनिशिंग होने के बाद कैसा दिखता है और कैसे अपने को प्रॉपर चैम्बर बनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इधर अपने को इनका ही जगह था, तो इसलिए अपन को इधर काम करना पड़ा, ठीक है। जितना हो सके परफेक्ट काम कीजिए, क्योंकि अपने को बाद में दिक्कत ना हो, तो इस हिसाब से काम अपन किए हैं, ठीक है। अभी आगे चैम्बर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि चैम्बर का काम कैसे किए हैं। तो अभी आप चैम्बर देख सकते हैं, जो कि 1/1.5 का इधर चैम्बर बनाया गया है अंदर से, ठीक है। ये चैम्बर का बाहर बाहर फेस है, जिसका इसका अंदर अंदर जो फेस रहता है चैम्बर का, वो 1/1.5 का रहता है, यानी 1 फीट चौड़ा, 1.5 फीट लंबा, यानी 12 इंची चौड़ाई और 18 इंची इसका लंबाई, ठीक है। जो भी पाइप लेना है सब आपके सामने है, तो कभी भी अगर काम करते हैं आप, तो बात ध्यान रखिए कि अपने को भविष्य में कभी भी दिक्कत ना आए काम से, ठीक है। तो चैम्बर भी बना के अपन फिनिशिंग कर दिए, जो भी चैम्बर का अंदर का काम था सब फिनिशिंग हो गया। ये RCC चैम्बर है, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर वीडियो अच्छा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।